नमस्कार, मैं हूं सैफ खान और आप देख रहे हैं एचएन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। मुंबई की कस्तूरबा पुलिस स्टेशन में 29 वर्षीय युवक की हुई मौत, 5 लोग गिरफ्तार। शराबी को चोर समझकर की थी पिटाई, 2 वॉचमैन सहित 5 लोग गिरफ्तार। मुंबई की कस्तूरबा पुलिस स्टेशन के एरिया में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जिसमें लोगों की पिटाई के कारण एक 29 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के आधार पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए 2 वॉचमैन सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि जिस व्यक्ति की मौत हुई वह एक पुलिस अधिकारी का भाई है। वहीं पुलिस के अनुसार 25 मई की रात करीब 1:18 पर पुलिस कंट्रोल पर कॉल आया कि क्वार्टर रोड नंबर 5 स्थित शशि सोसाइटी में चोर पकड़ा गया, जो चोरी करने आया था। जब तक मौके पर पुलिस पहुंचती, तब तक बिल्डिंग के कुछ लोग और बिल्डिंग के वॉचमैन ने मिलकर उस कथित चोर की जमकर पिटाई कर दी। वहीं जब पुलिस वहां पहुंची तो उक्त चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं उसका नाम प्रवीण शांताराम लहाने 29 वर्ष था। वहीं पुलिस ने सोसाइटी से सीधे हॉस्पिटल लेकर गई, जहां उसका मेडिकल कराया गया। वहीं अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं प्रवीण की मौत के बाद कस्तूरबा पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ धारा 304-2, 143, 144, 147, 148, 149, भादविंस शाह 37(1)(a), 135 मकोका के तहत मामला दर्ज कर, वहीं सोसाइटी के 2 वॉचमैन जोरा सिंह जलराम भट्ट, जनक मोतीराम भट्ट और स्थानीय रहवासी हर्षित गांधी, मनीष गांधी और हेमंत रामबिया को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में भेज दिया। कस्तूरबा पुलिस स्टेशन के तहत 25 मई को रात के 1:30 एक घटना घटी है। एक आदमी शराब के नशे में कंपाउंड वॉल से कूद के कार्टर रोड नंबर 5 के शशि सोसाइटी में एंट्री कर रहा था। वॉचमैन ने देखा, वॉचमैन ने रोकने की कोशिश की, आवाज दिया, फिर भी वो सुन नहीं रहा था, तो उसको चोर समझ के दोनों वॉचमैन और सोसाइटी के मेंबर्स ने मारपीट की। मारपीट के दरमियान उन्होंने लाठी का यूज किया और थोड़ा ज्यादा ही कुछ मारा रहेगा। उसके बाद उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और हमारी जब गाड़ी 4 मिनट या 5 मिनट में स्पॉट पे हमारी गाड़ी पहुंची, तो गाड़ी के ताबे में उन्होंने वो आदमी को दिया। तब गाड़ी को बोला नहीं गया था कि हमने इसको मारा है। जब आदमी को हम सिद्धार्थ मेरे पुलिस स्टेशन से मेमो लेके पुलिस स्टेशन से अस्पताल गए, तो अस्पताल में उसका ट्रीटमेंट, उसको चेकअप किया गया, उसका नशे में है इसका टेस्ट किया गया और कुछ देर बाद उसको अकड़ी आई और वो अकड़ी में उसका देहांत हो गया। डॉक्टर ने उसको मृत घोषित किया। तो हाँ, स्पॉट पे क्यों आया? स्पॉट पे क्यों आया था, इसका वजह तो किसी को मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि जो बताने वाला है वही मर गया। लेकिन वो नशे में था, वॉचमैन ने उसको रोकने की कोशिश की है, उसको टॉर्च की लाइट से, जो मोबाइल टॉर्च है उसकी लाइट से उसको सचेत भी किया गया, आप आओ मत, लेकिन वो नशे में था, वो बिल्डिंग में एंट्री कर रहा था, तो ये कंफर्म चोर है ये समझ के उसको मारपीट की गई है। सर, आरोपी सॉरी जो मृतक है, क्या नशे में उस सोसाइटी में पहुंच गया था या कोई इंटेंशन था इस तरह से पहुंच गया? तो गांव में रहने वाला है, नासिक के आसपास का, शराब के नशे में आया। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि वो शराब के नशे में सोसाइटी में आया था। पुलिस जब उसको लेके आई तो पुलिस का ये ऐसा पहले करना था कि उन्हें मेडिकल करा के पुलिस स्टेशन आया, और उसको डेथ पुलिस स्टेशन में हुई है या फिर हॉस्पिटल में हुई? मेडिकल करके पुलिस स्टेशन में नहीं लाया था। कोई मेडिकल को जाते हैं तो उसको मेमो की जरूरत होती है। उस स्पॉट से पुलिस स्टेशन में बाहर गाड़ी आया, उसने मेमो लिया और उसके बाद वो जांच के लिए चले गए। पीएम में क्या कुछ खुलासा हुआ कि आखिरकार मौत कैसे? पीएम रिपोर्ट में लग रहा था कि शायद इसको दारू की नशा का आदत रहेगा, तो शायद लीवर खराब हो सकता है या मारपीट से, क्योंकि पुलिस को पूरी तरह से कुछ मालूम नहीं था कि सही में कितना मारपीट हुआ है। लेकिन पीएम रिपोर्ट जब आया तो हमें क्लियर हुआ कि ये मारपीट करने से इसका मृत हुआ है। तो
क्या डिजीज को एक्सटर्नल कोई घाव वगैरह? डिजीज को कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं था, उसका इंक्वेस्ट पंचनामा किया गया, उसका पीएम के टाइम में उसको कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं थी। तो कल ही आया था ना पिक्चर 25 के नाइट में, क्योंकि ये बताने वाला कोई नहीं, अभी इंक्वायरी में मालूम हो जाएगा, इंक्वायरी चल रही है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया वो कौन लोग हैं? जिनको हमने पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो दो वॉचमैन हैं और वही सोसाइटी के तीन मेंबर हैं। क्या मारने वाले में से संख्या बढ़ सकती है और लोग आरोपी थे? ऐसा लगता नहीं है, एक दो पॉसिबल है, लेकिन पुलिस बिना प्रूफ या ऐसा किसी को अरेस्ट नहीं करेंगे। सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज में कोई मारपीट का ऐसा कोई वीडियो वगैरह दिखा? सोसाइटी के सीसीटीवी में मारपीट का है और जिसने मारपीट की उनको ही ताबे में लिया गया है। वहीं जांच में यह भी पता चला कि प्रवीण लहाने कोई चोर नहीं, वह नासिक का रहने वाला है। वह शराब के नशे में सोसाइटी के अंदर चला गया, जहां सोसाइटी के लोगों ने चोर चोर का शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा किया और फिर पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले किया। वहीं मृतक प्रवीण का भाई प्रकाश लहाने मुंबई के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में सहायक पुलिस निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। वहीं प्रवीण के शव को मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जहां से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया। पेश है मुंबई की यह एक रिपोर्ट।